ओके सो टुडेज टॉपिक इज कल्चर। जैसे कि आपको स्क्रीन पे नज़र आ रहा है, तो जैसे मेजॉरिटी क्लास में स्टूडेंट्स हैं न्यू, तो आई वेलकम यू ऑल फ्रॉम दिस प्लेटफॉर्म। और पहले मैं अनाउंस कर दूं कि हम रमज़ान पैकेज स्टार्ट कर रहे हैं, जिसमें आपको इस मंथ में, इस होली मंथ में, जो कि सबके लिए बहुत बड़ा बरकत है, इस सब्जेक्ट की प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग भी हम साथ साथ डिलीवर करते रहेंगे। इनशाला ईद से पहले आपका ये सब्जेक्ट जो है, इसकी अंडरस्टैंडिंग, इसे कॉन्सेप्ट्स जो हैं, आई होप सो के क्लियर होते चले जाएंगे साथ साथ। सो इस प्रोसेस में मैं आप सबको दावत दूंगी कि आप इसको सीखें, कि ये अमेजिंग सब्जेक्ट जो है, न्यू फील्ड जो है पाकिस्तान में, इमर्जिंग फील्ड है ये, किस तरह से ये लोगों के बारे में, सोसाइटी के बारे में, और हमें हमारी लाइवलीहुड के बारे में और हमारी अपनी अंडरस्टैंडिंग के बारे में डिफरेंट डायमेंशन से जो है, न्यू आइडियाज, न्यू थॉट्स जो है हमें इन्वोक करती है, हमें कि हम सोचें समझें अपने बारे में, अपने माशरे के बारे में। आज का टॉपिक जो है वो कल्चर, आप सब जानते हैं कल्चर होता क्या है, तो लेट मी सी कि आप सभी क्या आइडियाज हैं कल्चर के बारे में, आप क्या समझते हैं कल्चर क्या होता है। मेरे पास तो कल्चर के बारे में कुछ ऐसे थॉट्स हैं और ऐसी डेफिनेशंस हैं कि कल्चर जो है मैन मेड पार्ट ऑफ एनवायरनमेंट होने के अलावा, हम जो कुछ कर रहे होते हैं सारी जिंदगी, दिस इज ऑल नोन एज कल्चर। और ये हमारी वो तमाम हैबिट्स हैं, हमारी इंटरेस्ट हैं, हमारे थॉट्स हैं, वो तमाम मॉडल्स हैं, वो तमाम बुक्स हैं जो हम देखते हैं, पढ़ते हैं, वो तमाम चीज़ें जो हम सुनते हैं, इंजॉय करते हैं, दिस इज ऑल अ पार्ट ऑफ कल्चर। तो ये सब चीज़ें जो हैं मिलके, ये एलिमेंट्स हैं जो एक कल्चर को प्रोड्यूस करते हैं, डिज़ाइन कर रहे होते हैं। इसी कुछ डेफिनेशंस आप पहले देखें, देन आई विल एक्सप्लेन कि ये क्या है। कल्चर एक सोशल फिनोमिनन होता है, और इसमें तमाम आपकी मटेरियल प्रोडक्ट्स, हैंडमेड प्रोडक्ट्स, मैन मेड प्रोडक्ट्स, ये सब आते चले जाते हैं, और ये लर्न्ड होता है, ये बायोलॉजिकली ट्रांसमिट नहीं होता, ये हम जिस माहौल में, जिस तरह के माशरे में हम पैदा होते हैं, हम वहीं से सीखते हैं और हम बड़े हो जाते हैं कि दिस इज कल्चर, दिस इज द सोसाइटी, दिस इज आर लाइफ। और ये सब जो है हर कल्चर में वेरी करता है। कल्चरल सिंबल्स होते हैं कुछ, एक कल्चर को जो रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं, हो सकता है एक कल्चर में कुछ सिंबल्स को हम अच्छा समझते हो, कुछ साइंस को, और किसी कल्चर में उनको प्रोहिबिशन के तौर पे देखा जाता हो। अब आप लोग कुछ आइडिया सोचें कि हमारे कल्चर में कौन से जो हैं सिंबल्स जिनको हम डिसलाइक कर रहे होते हैं, और कौन से ऐसे हैं जिनको हम प्रमोट कर रहे होते हैं, दीज आर ऑल नोन एज आर कल्चर। तो ये इसका जनरल सा एक मीनिंग था। अब इसकी ये जो आपने डेफिनेशंस रीड कर ली होंगी, मीनवाइल लेट मी एक्सप्लेन देम। ये बहुत फेमस है ईबी टाइलर, ही सेज के द कॉम्प्लेक्स सोल विच इंक्लूड्स नॉलेज, बिलीव्स, आर्ट्स, मॉरल्स, लॉज, कस्टम्स एंड अदर कैपेबिलिटीज एंड हैबिट्स एक्वायर्ड बाय अ मैन एज अ मेंबर ऑफ सोसाइटी। यानी क्या ऐसी चीज़ है जो कल्चर में रह नहीं गई, उसने बहुत ही ये जामे और एक रेलिवेंट डेफिनेशन है उसने इसमें ऐड कर दी है, कि हमारे तमाम वो अकायद जिनके बारे में हम सोच रहे होते हैं कि ये जो लाइफ है इसको डिज़ाइन करेंगे, हमारे थॉट्स, हमारी फीलिंग्स, हमारे एक्शंस, ये सब हमारा कल्चर है, साथ हमारी हैबिट्स भी और हमारी बिलीव्स भी, हमारा नॉलेज जो हम थ्रू इंस्टीट्यूशंस, थ्रू होम लर्निंग एक्वायर कर रहे होते हैं, ये उसको इंक्लूड करता है। हमारे लॉज जो हैं, इवन हर कंट्री के, हर सोसाइटी के कुछ जो हैं फॉर्मल इनफॉर्मल लॉज होते हैं, वो भी कल्चर का हिस्सा है। अनदर वेरी इंटरेस्टिंग डेफिनेशन, सी एस कॉन, ही इज अ सोशल साइंटिस्ट, और वो भी ये कह रहे हैं कि द सम टोटल ऑफ वेज इन विच ह्यूमन बींग्स लिव ट्रांसमिटेड बाय जनरेशन थ्रू लर्निंग, कि हम जो हैं देख रहे होते हैं कि किस तरह से इंसान अपनी जिंदगी में जो चीज़ें उसको ट्रांसमिट हो रही हैं जनरेशन बाय जनरेशन लर्निंग के जरिए, वो सीखता है और उनको साथ लेके चलता है, इसको हम कल्चर का नाम देते हैं।
इसकी एग्जाम्पल मैं यूं देना चाहूंगी कि आपने देखा है कि आपके अबाउजदाद, आपके बड़े जो चीजें आपको सिखाते रहे, आपके पेरेंट्स को, आपको वो चीजें पहुंची, आपकी फैमिली की कुछ अच्छी ट्रेडिशंस, आपकी अच्छी वैल्यूज, ये सब कुछ जो है लर्निंग के थ्रू हमें मिलता रहा। समटाइम्स ये चीजें बुक्स में रिटर्न होती है और मोस्टली ये रिटर्न नहीं होती है, एंड वी जस्ट सी कि हम इनको देख रहे होते हैं दूसरों करते हुए और हम बचपन से ही वो सीखना शुरू कर देते हैं और वैसा करना शुरू कर देते हैं। सो दिस इज कल्चर। तो कल्चर की कुछ टाइप्स भी होती हैं, ये भी मैंने आपको पास पेपर्स में जो क्वेश्चन आते रहे हैं इस कल्चर के क्वेश्चन पे, जस्ट कल्चर पार्ट को भी हम देख रहे हैं। सोशलाइजेशन भी इसी चैप्टर का पार्ट है, वो हम नेक्स्ट डिस्कस करते चले जाएंगे, लेकिन अभी आप जस्ट इसका एक रिव्यू लें। साथ में आपको बता दूं कि कल्चर की कुछ टाइप्स होती हैं। समटाइम्स वी से के रियल लाइफ में हम कुछ चीजें होते हुए देख रहे होते हैं, अच्छा इस सोसाइटी में जो है ये कल्चरल प्रैक्टिसेस ऐसे हैं, लोग ईद पे एक दूसरे से इस तरह से मिलते हैं, लोग ऐसे गुफ्तगू करते हैं, लोगों का खाने का अंदाज, पहनने ओढ़ने का अंदाज, एक उनका लाइफस्टाइल, एक उनका अटायर, ये सब कुछ जो है कल्चरल रिप्रेजेंटेशन है कि हमारा कल्चर जो है इन चीजों से मिलके बना है। इसे हम कह रहे होते हैं कि ये इट इज आर रियल कल्चर, यानी कल्चर की ये एक टाइप है। देन देयर इज एन आइडियल कल्चर, दूसरी टाइप, जो कि सब लोग आपस में डिजाइन करते हैं, सोचते हैं, और एक सोसाइटी में रहने के साथ साथ लोग कहते हैं कि हमारी ये अच्छी कुछ वैल्यूज होनी चाहिए, हम एक दूसरे के साथ ताउन करेंगे, हम एक दूसरे के साथ हमदर्दी से पेश आएंगे, या हमें झूठ नहीं बोलना चाहिए। ये हमारा आइडियल कल्चर है, हम इसको डिफाइन करते हैं और हम इसको जो है हम विश करते हैं कि हम इसको फॉलो करते चले जाएं। इट इज प्रेजेंटेड एज आ प्रेसिडेंट दैट पीपल शुड फॉलो इट, इट इज द करेक्ट वे टू से। तो ये हमारा जो है एक डिफाइंड कल्चर होता है, इसे हम आइडियल वे में आइडियलाइज करते हैं और अपनी रियल लाइफ में उसके अकॉर्डिंग हम प्रैक्टिस करने की कोशिश कर रहे होते हैं। कल्चर इज अ वेरी इंटरेस्टिंग टॉपिक, हम अपनी सोसाइटी में देख रहे हैं जिस तरह से आजकल स्प्रिंग सीजन है और कल्चरल इवेंट्स, फेस्टिवल्स जो हैं सेलिब्रेट किए जाते हैं नेशन वाइड, मोस्टली जो है एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस में आप देखते हैं कि सिंधी, पंजाबी, बलोची, और ये जो कल्चर की एक डिफरेंट थीम्स होते हैं कि अकॉर्डिंग लोग सेलिब्रेशंस कर रहे होते हैं, आर्ट्स एंड कल्चरल डेज, स्पोर्ट्स डेज, इस तरह से इन पे इनकी थोड़ी सी नुमाइश की जाती है, ऐसी चीजें जो हमें हमारे रवायती कल्चर की याद दिलाती हैं। ये हमारा कल्चर है, दिस इज नोन एज कल्चर। अब कुछ क्वेश्चंस हैं स्टूडेंट्स, आई वांट यू टू सी दिस विद अ क्लियर अंडरस्टैंडिंग। ये देखें, जैसे 2012 में क्वेश्चन था कि इन्फ्लुएंस ऑफ एलाइड कल्चर्स ऑन पाकिस्तानी कल्चर, सो ये बड़ा इंटरेस्टिंग एक क्वेश्चन है कि पाकिस्तान के कल्चर के साथ साथ और कल्चर्स भी हैं पूरी दुनिया में, क्या उनके कोई इफेक्ट्स, कोई असरात हैं यहाँ पे? तो मैं ये समझती हूँ कि आप सब ने बहुत क्लियरली देखा होगा सोसाइटी में अपने इर्द गिर्द कि हम वेस्टर्न कल्चर को फॉलो कर रहे हैं, हम टर्किश कल्चर को देखते हैं लोग फॉलो कर रहे हैं आजकल, इंडियन कल्चर यहाँ पे बहुत प्रेवलेंट है, और इसके अलावा पूरी जो दुनिया है कौन सी ऐसी कंट्री जिससे कल्चर को हमने यहाँ पे प्रैक्टिस होते हुए नहीं देखा, यानी कि इन डिफरेंट फॉर्म्स, कुजीन, योर लाइफस्टाइल, योर हैबिट्स, योर लैंग्वेज, आपको डिफरेंट तरह से ये प्रैक्टिस होते हुए नजर आ रहा है। सो दिस इज अ क्वेश्चन, इसको हम डिटेल में डिस्कस करेंगे, बट लेट्स गेट एन अंडरस्टैंडिंग कि ये क्वेश्चन होते किस तरह से हैं। तो एक टिप है यहाँ पे कि आप जब भी क्वेश्चन को अटेम्प्ट करने लगें, पहले अच्छी तरह से अंडरस्टैंड करें कि एग्जामिनर आपसे क्या क्वेश्चन पूछ रहे हैं, देन एक्सप्लेन द आंसर। इसी तरह से अगेन 2014 में भी उसने सेम क्वेश्चन जो है रिपीट किया है, और 2015 में पहले जैसे उसने कहा कि कल्चर को डिफाइन करें, अभी हमने पीछे से दो डेफिनेशंस ऑलरेडी देखी हैं, व्हाट इज कल्चर, तो कल्चर की जो हम अभी तक डिस्कशन से समझे हैं कि ये इन लिटरल मीनिंग क्या होता है और इन प्रैक्टिस से किस तरह से सोसाइटी में हम पाकिस्तान में देखते हैं, तो सार डेफिनेशन के हम इसको इंट्रोड्यूस करेंगे, इसको फिर हम क्रिटिकली एग्जामिन करेंगे कि पाकिस्तान का कल्चर किस तरह से एक फर्द और एक मुआशरा जो है मिलके बनाता है, इंडिविजुअल एज वेल एज एलाइड इन्फ्लुएंसेस। ठीक है,
देन इन 2016 देयर वाज अ क्वेश्चन कि एट्रीब्यूट्स ऑफ पाकिस्तानी कल्चर जो हैं क्या हैं, कुछ ऐसे स्पेसिफिक इंग्रेडिएंट्स जो हमें डिफरेंशिएट कर रहे होते हैं डिफरेंट कल्चर से. सो हमारी अपनी कुछ हैं एट्रीब्यूट्स पाकिस्तान के कल्चर के, वो भी देखेंगे. तो व्हाई कल्चर इज इम्पॉर्टेंट फॉर सर्वाइवल ऑफ सोसाइटीज, इस आर्गूमेंट को भी जस्टिफाई करना है. जस्टिफाई योर आर्गूमेंट ये होता है इस तरह क्वेश्चन के, आपने अपने आर्गूमेंट्स को राइटिंग में इस तरह से एक्सप्रेस करना होता है कि आपका जो पॉइंट ऑफ व्यू है कल्चर के बारे में पाकिस्तान के, वो क्लियर होता चला जाए एग्जामिनर के लिए. देन इन 2017 ही सैड हाईलाइट द करेक्टरिस्टिक्स ऑफ पाकिस्तानी कल्चर, हाउ सोशलाइजेशन इज इन्फ्लुएंस्ड बाई कल्चर. यहाँ पे आपको एक नया कॉन्सेप्ट जो है वो सुनने को मिला है, सोशलाइजेशन. इस पे डिटेल्ड क्वेश्चंस आते रहे हैं प्रीवियस पेपर्स में, वो मैंने सेपरेट एक सेक्शन में आज के लेक्चर में ही जो है डिजाइन करके सेपरेट कर दिए थे, बट आई विल इंट्रोड्यूस इट लेटर. तो नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय कल्चर, एलैबोरेट द इन्फ्लुएंस ऑफ एलाइड कल्चर्स ऑन पाकिस्तानी कल्चर बाय हाईलाइटिंग देयर पॉजिटिव एंड नेगेटिव एस्पेक्ट्स. तो यहाँ पे जो है हमें पहले तो जो अभी तक कल्चर की अंडरस्टैंडिंग मिली, आई होप सो आप लोग समझ रहे हैं और साथ साथ नोट्स लेते जा रहे हैं. आई सजेस्ट कि आप जितने यहाँ पे एस्पायरेंट्स इस टाइम ऑनलाइन हैं, यू गाइस कैन मेक नोट्स फॉर योर क्लियर अंडरस्टैंडिंग, ये हमेशा हेल्प करते हैं. तो यहाँ पे हमने एलेबोरेट करना होगा कि किस तरह से डिफरेंट कल्चर्स का, अगेन आप देख रहे हैं कि कल्चर का, एलाइड कल्चर्स का इन्फ्लुएंस एग्जामिनर जो है वो थोड़ा सा थीम, थोड़ा सा क्वेश्चन का जो है फॉर्म उसको मोल्ड करके क्वेश्चन सेम ही रहने दे रहा है और वो आपसे कल्चर पे क्वेश्चन पूछता है. यहाँ पे उसने साथ पॉजिटिव एंड नेगेटिव एस्पेक्ट्स पूछे हैं कल्चर के. सो ऑलवेज रिमेम्बर कि हर कल्चर जो है कभी भी अपनी बेस्ट फॉर्म में आपको किसी भी सोसाइटी में, किसी भी जगह पे इन द होल वर्ल्ड प्रैक्टिस होता हुआ नजर नहीं आता है. इसलिए हर कल्चर में कुछ अच्छे एट्रीब्यूट्स होते हैं और कुछ ऐसी प्रोहिबिशंस होती हैं जो कि नहीं होनी चाहिए, और वो भी साथ साथ माशरे में हो रही होती हैं और वो कल्चर का हिस्सा कहलाती हैं. देन ही आस्क्ड व्हाट मेक्स पाकिस्तानी कल्चर डिस्टिंक्टिव एट ग्लोबल लेवल, पाकिस्तानी कल्चर में कौन सी ऐसी जो हैं डिस्टिंक्शंस हैं लाइक वी ऑलरेडी सॉ, कि किस तरह से हमारा जो कल्चर है ये ग्लोबल लेवल पे हमें अलग बनाता है, मुमताज बनाता है मुख्तलिफ तरह के कल्चर से. सो इन सब क्वेश्चंस के आंसर्स जो हैं आज हम डिस्कस करेंगे, साथ साथ समझेंगे कि किस तरह से हमारा कल्चर जो है अपनी सुप्रीम फॉर्म में डिफरेंट कल्चर से सेपरेट है. सो एज आई सेड कि उसने एग्जामिनर ने क्वेश्चन पूछा एंड शी सेड कि पाकिस्तानी कल्चर इज अ प्रोडक्ट ऑफ इंडिविजुअल इन्फ्लुएंसेस. तो इसमें बहुत से आप की पॉइंट्स देख सकते हैं कि जैसे हमारी सोशलाइजेशन है ये हमें इंडिविजुअलाइज बनाती है, हमें डिफरेंशिएट करती है फ्रॉम द होल वर्ल्ड एज पाकिस्तानीज. तो सोशलाइजेशन का कॉन्सेप्ट ये है कि एक इंसान जिस भी सोसाइटी में पैदा होता है वो सोसाइटी की प्रोडक्ट है, दिस इज कॉल्ड सोशलाइजेशन. उसके एक फैमिली बैकग्राउंड, उसका लाइफस्टाइल, उसकी सोसाइटल प्रैक्टिसेस उसे सोशलाइजेशन में हेल्प कर रही होती हैं. मुआशरे में घुल मिल के रहना, मुआशरे के साथ मिलजुल के जिंदगी गुजारना, दिस इज सोशलाइजेशन, सोशल होना. जैसे इसमें एक फेमस कोटेशन है एंड एवरीवन ऑलमोस्ट नोज इस लेवल पे कि सोशलाइजेशन जो है, एरिस्टोटल ने जैसे कहा कि मैन इज अ सोशल एनिमल, वो कैन नॉट लिव अलोन, हम कलाम जिंदगी नहीं गुजार सकते, ऐसे ही तनहा जिंदगी का कोई तसव्वुर नहीं है. सो सोशलाइजेशन जो है इंसानों के साथ इंटरेक्शन से डेवलप होती है इंसान में. सो दिस इज सोशलाइजेशन. और पाकिस्तानी कल्चर में आप इसको रिलेट करें तो समझ जाएंगे कि किस तरह से एक बच्चे को उसके पेरेंट्स, उसकी सोसाइटी, उसके एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस, उसकी फ्रेंड्स, उसका पीयर ग्रुप जिसे हम कह रहे हैं, वो उसको डिफाइन करता चला जाता है, रिफाइन करता है, उसको चांसेस देता है कि दूसरों के साथ इंटरेक्ट करें और कीप लर्निंग एंड कीप ग्रोइंग एंड गेटिंग सोशलाइज्ड इन अ सोसाइटी. और पाकिस्तानी कल्चर में ये एग्जैक्ट ऐसी ही प्रैक्टिस है. देन वी विल सी कि हमारा एक कल्चरल एक्सप्रेशन है, हमारे कुछ
आर्टिस्टिक आप देखते हैं मूवमेंट्स हैं जैसे ईयर्स वाइज, और आफ्टर एवरी 10 ईयर्स और 15 ईयर्स यू सी चेंज इन योर कल्चरल एक्सप्रेशन इन योर क्लॉथिंग स्टाइल। आफ्टर अ फ्यू ईयर्स यू सी कि यहाँ पे जो है फैशन इंडस्ट्री इज ग्रोइंग एंड चेंजिंग। तो ये सब कल्चरल एक्सप्रेशन है कि हमारा कल्चर जो है किस तरह से चेंज हो रहा है और किस तरह से हमारा कल्चर जो है अपने आप को एक्सप्रेस कर रहा है इन अ वेरी वेरी फाइनर वे एंड इन अ वैरायटी ऑफ डिफरेंट एस्पेक्ट्स ऑफ सोशल लाइफ इन पाकिस्तान। फिर हमारी आप जुबान देखें, उर्दू, पश्तो, सराइकी, मैनी लैंग्वेजेस, बहुत सारी जुबानें हैं जो हम बोल रहे हैं और हम उनको प्रैक्टिस होते हुए देख रहे हैं और हम सीख रहे हैं उन जुबानों से उन कल्चरल्स के एक्सप्रेशन, किस तरह से लोग जो हैं अपनी बात को दूसरों तक पहुंचाने के लिए जुबान जो बोलते हैं उसमें अल्फाज का चुनाव जो है आपको एक कल्चर की नुमाइंदगी करता नजर आता है पाकिस्तान में। फिर हमारे रिलीजियस प्रैक्टिसेस हैं, डिफरेंट हमारे त्योहार होते हैं, उर्स हैं, मेले हैं, और लोगों का आपस में मिलना जुलना है, ईद है या खुशी गमी के मौके हैं इन पे। ये जो हमारी रिलीजियस प्रैक्टिसेस हैं किस तरह से लोगों ने आपस में एक दूसरे के साथ डीलिंग्स करनी है, सो ये भी हमारी कल्चर का हिस्सा है। हमारे पाकिस्तान में जो प्रैक्टिसेस हैं ये पूरी दुनिया में आपको इस तरह से आप देखते हैं कि रिलीजन की प्रैक्टिस और इस तरह से कुछ इवेंट्स की भी इवेंट जो है हमें नजर आ रहा होता है कि ये सिर्फ यहीं पर आए जाए और शायद मे बी इन द होल वर्ल्ड अदर कल्चर इज सेलिब्रेटिंग देम लाइक अस। कल्चरल अडेप्टेशन नेक्स्ट पॉइंट। हमारे कल्चर में कल्चर के तरह से लोगों की अडेप्टेबिलिटी की स्किल्स और उसी कल्चर का हिस्सा बन जाने की और उसपे खुद को लोग प्राउड फील करते हैं उस कल्चर का पार्ट होने पे, सो दिस इज कल्चरल अडेप्टेशन। आप पाकिस्तान में कहीं भी चले जाएं आपको उस कल्चर को अडॉप्ट करने में कोई इतना इशू नहीं होता। यू जस्ट सी के थोड़ा सा क्लॉथिंग स्टाइल या लैंग्वेज स्टाइल डिफरेंट हो सकता है एंड विद द टाइम बीइंग यू लर्न इट एंड यू अडॉप्ट इट लाइक अ प्रो। तो ये है कल्चरल अडॉप्टेशन। फिर हमारी जनरेशनल डायनामिक्स हैं, कुछ जनरेशन हमारी जो हैं ओल्डर जनरेशन द यंगर जनरेशन दे फील गैप समटाइम, लेकिन फिर भी हमारे इंडिविजुअल इन्फ्लुएंसेस हैं जो कि हमें एस्पायर कर रहे होते हैं कि हम खुद को जो है चेंज करते चले जाएं। तो ये भी कल्चर है कि किस तरह से एक फर्द जो है वो कल्चर को शेप कर रहा होता है, इंसान की अपनी जो है थॉट्स, उसकी अपनी एज के साथ साथ जो है डेवलपमेंट और उसकी सारी लर्निंग, ये हमारे जनरेशनल डायनामिक्स हैं जो डिफाइन करते हैं कल्चर को। फिर माइग्रेशन एंड ट्रांजिशनल कम्युनिटीज होती हैं हमारी विद इन कंट्रीज, आप देखते हैं इंटरनली डिसप्लेस्ड पीपल, और इसके अलावा भी जो है विद इन कंट्री माइग्रेशन, यहाँ से वहाँ लोग जो है स्टडी के लिए, हायर एजुकेशन के लिए या बेटर जॉब के लिए डिफरेंट रीजंस की वजह से थ्रू मैरिज इवन जो है यहाँ वहाँ पूरी कंट्री में देखते हैं कि आप इस तरह की सोशल मूवमेंट एक तरह से यहाँ से वहाँ लोगों का माइग्रेट करना, ट्रांजिशन होना कम्युनिटीज में, कि कुछ इलाके जो हैं पहले वहाँ कोई इंसान ही रहता था और अब आप देखते हैं कि हंसते बसते शहर हैं, ऐसे इलाके भी मौजूद हैं। सो दिस इज द ट्रांजिशन ऑफ कम्युनिटी और ये इंडिविजुअल इन्फ्लुएंसेस होते हैं। एज आई कैन से कि आप बहुत से एरियाज के नाम शायद जानते हो किसी इंसान के नाम से रखे जाते हैं, अगर आपने कभी ऐसे नाम सुने हैं तो आई होप सो कि आप लोग अभी मेंशन करेंगे एंड आई विल सी कि इफ यू हैव एन अंडरस्टैंडिंग। यस गुड, यस फहमीदा यू आर राइट, यस आमिना, आई जस्ट सेड कि सिटीज के नेम, एरियाज के नेम, विलेजेस के नेम जो है आप लोगों को समझ आ रही होगी किस तरह से हमारे जो है इलाके इंसान उन्हें इंडिविजुअल इन्फ्लुएंसेस के साथ या उनसे लोगों ने इंस्पायर हो के उनकी जो कॉन्ट्रीब्यूशन है सोसाइटल लेवल पे उसको देखते हुए उन एरियाज को अगेन डिजाइन कर दिया। तो दिस इज इट, ये हेडिंग्स जो हैं आपको मिली हैं, आप में से एक क्वेश्चन कर रही हैं स्टूडेंट, सो इनके आपको प्रॉपर नोट्स भी मिलेंगे। ये हेडिंग्स मैंने जस्ट इसलिए यहाँ पे दिए हैं कि आपको साथ साथ अंडरस्टैंडिंग भी हो और आप लोग अपने नोट्स मेकिंग करते चले जाएं। ये जो हम डिस्कशन कर रहे हैं ये हमारा लोकलाइज्ड नॉलेज एंड आई डोंट थिंक सो कि ये किसी बुक में जो है लिखा होता है या मौजूद होगा, सो आई एम गिविंग यू सम एग्जांपल्स कि आप खुद इससे रिलेट करें और इस तरह से आंसर करना आप सीखें।
नोट्स आपको मिल जाएंगे, यू डोंट नीड टू वरी। तो हमारा सोशल मीडिया और टेक्नोलॉजी है, ये भी इंडिविजुअल इन्फ्लुएंसेस की प्रोडक्ट है। यू जस्ट ओपन योर मीडिया प्लेटफॉर्म्स एंड यू सी पीपल आर हैविंग देयर ऑन ओपिनियंस, देयर ऑन व्यूज ऑन सोशल लाइफ, योर पोलिटिकल लाइफ, योर कल्चरल लाइफ, योर एवरीथिंग इन इट, जो आप देख रहे हैं कि आपकी किस तरह से सोच से आपकी जो है ये सोशल मीडिया और टेक्नोलॉजी जो है पाकिस्तानी कॉन्टेक्स्ट में आपको ये प्रैक्टिसेस होती हुई नज़र आ रही होती हैं। इसी तरह से हमारे कल्चर की अपनी इनोवेशंस हैं, हमारे कल्चर में नई इजादात और चीज़ों को जो है प्रैक्टिस करने के लिए हम कभी कभी देखते हैं कि बड़े ज़बरदस्त तरीके से लोग जो हैं गुजारा कर लेते हैं चीज़ें खुद से, ऐसी इन्वेंशंस, ऐसी ऐसी लोकलाइज जो हैं ये, जैसे पॉटरी मेकिंग है, बर्तन है मिट्टी के, या आपके जो हैं यहीं के कल्चरल इनोवेशंस की तरह हम देख सकते हैं किस तरह से लोग जो हैं अपने सोशल इवेंट्स को ऑर्गेनाइज करने के लिए मुख्तलिफ थीम्स, मुख्तलिफ चीज़ें जो हैं डिज़ाइन कर रहे होते हैं, जो कि पहले किसी ने भी प्रैक्टिस होती नहीं देखी। सो दिस इज कल्चरल इनोवेशन कि आप अपने ईदेन के मौके पे, शब रात के मौके पे, या मुख्तलिफ त्योहार, या मुख्तलिफ आपके जो हैं सोशल गैदरिंग के पॉइंट्स, उन पे आप देखते हैं किस तरह से लोगों ने खुद को रिप्रेजेंट किया होता है अपने कल्चर को। सो इट इज ऑल्सो एन इंडिविजुअल इन्फ्लुएंस कि लोग किस तरह से एक चीज़ को बनाते हैं, ईजाद करते हैं या डिज़ाइन करते हैं थ्रू देयर आइडियाज़, और वो फिर सबके लिए ही बेनिफिशियल होती है। तो इसी तरह से हमारी कल्चरल रिप्रेजेंटेशन जो है हमारी सोशल मूवमेंट्स और एक्टिविज्म को भी अफेक्ट कर रही होती है। समटाइम्स इट हैज़ पॉजिटिव एंड समटाइम इट हैज़ नेगेटिव इफेक्ट्स। और कुछ सोशल मूवमेंट्स हैं हमारी, जैसे हम कहते हैं कि सोशल अवेयरनेस रेजिंग ऑन डिफरेंट सोशल इश्यूज लाइक क्लीन एंड ग्रीन पाकिस्तान, और क्लैनलीनेस की बात करते हैं हम इसमें, जिस तरह से हमारी गवर्नमेंट खुद एफर्ट्स करती है और पब्लिक सेक्टर से और फिर प्राइवेट सेक्टर से भी लोगों की इन्वॉल्वमेंट होती है। सो दिस इज़ अ वेरी गुड एग्जाम्पल हेयर कि हमारा कल्चर जो है वो इंडिविजुअल इन्फ्लुएंसेस से चल रहा होता है, किसी एक फर्द की सोच ही बाज़ुकात जो है पूरी सोसाइटी के लिए बेनिफिशियल हो रही होती है। देर आर नैरेटिव्स एंड स्टोरी टेलिंग, ये भी ह्यूमन माइंड की क्रिएशन होती है। जाहिर है कि कोई खातून, कोई घर में बैठे हुए कोई आइडिया पे कोई छोटी सी स्टोरीज, जिस तरह से पोइम्स हमारी राइम्स और इस तरह से जो है उन्होंने बनाई होती हैं फॉर द किड्स, वो किस तरह से उन्हें लोरियाँ सुना रही होती हैं। सो दिस इज द वे वन क्रिएट्स कल्चर, और वो फिर सोशली इतना एक्सेप्टेबल हो जाता है कि एवरी अदर होम इज हैविंग दैट सेम थिंग। नेक्स्ट हम बात करेंगे हमारे एजुकेशनल एंड कल्चरल ट्रांसमिशन जो है ये किस तरह से हमें देखती हैं हम इसमें इंडिविजुअल इन्फ्लुएंसेस को, जैसे सर सैयद अहमद खान, अलामा इकबाल, कायदे आजम, फातिमा जना और इस तरह की शख्सियात, और इसके अलावा दोज हु वांटेड एजुकेशन टू बी अ प्राइम रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर एवरी मैन एंड वुमेन और अ गर्ल और अ बॉय इन दिस सोसाइटी। तो ये चीज़ जो है हमें इसका एजुकेशनल इन्फ्लुएंस जो है दिखा रही है। एक इंडिविजुअल का इन्फ्लुएंस होता है कि उसके सारे इलाके में तालीम आम हो जाती है। जैसे आप हमारे लोकल कॉन्टेक्स्ट में देखें पाकिस्तानी कल्चर में, तो कुछ ऐसे एरियाज जैसे शकरगढ़ है, लैया है, या कुछ और एरियाज जहाँ पे एजुकेशन जो है समटाइम्स ये इंडिविजुअल इन्फ्लुएंसेस की वजह से इतनी ज़्यादा इसका ग्रोथ रेट होता है कि एवरीवन एल्स जस्ट ट्राइज टू स्टडी। फिर इसी तरह से कल्चरल टूरिज्म के चांसेस हैं हमारी अपनी सोसाइटी में। यहाँ से आप देखते हैं कि जैसे ही सीजनल चेंजेस आते हैं इन द प्राइम ऑफ योर यूथ जो है स्टूडेंट्स ग्रुपिंग करके किस तरह से डिफरेंट एरियाज में जाते हैं, एक्सप्लोर करते हैं द ब्यूटी द नेचर देयर। तो ऐसे ही कल्चरल रिचुअल्स एंड प्रैक्टिसेस हैं हमारी जो हम अपने इंडिविजुअल इन्फ्लुएंसेस की वजह से ही मुआशरे में राइज होते हुए देख रहे होते हैं। जैसे डिफरेंट इवेंट्स पे जो हैं ग्रुप स्टूडेंट्स के मिलके चीज़ों को ऑर्गेनाइज करते हैं कॉलेजेस में, यूनिवर्सिटीज में, स्कूल्स में। तो ये क्या है, इंडिविजुअल इन्फ्लुएंसेस हैं जो उन्हें आइडियाज के लिए कलेक्ट करते हैं, प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करती है आपके इंस्टीट्यूशंस आपको।
तो आप कल्चरल रिचुअल्स को प्रैक्टिस होते हुए देख रहे होते हैं, आपके फेस्टिवल्स होते हैं या आपकी होम लाइफ है, इसमें भी आप देखते हैं कि आपकी कुछ स्पेसिफिक प्रैक्टिसेस होती हैं हर कल्चर की। कुछ घरों में रिवाज होता है जिस तरह से कि उन्होंने डिफरेंट रिचुअल्स रखे होते हैं कि हमने इस तरह से प्रैक्टिस करना है, वी हैव टू डू दिस एंड वी हैव टू मूव ऑन दिस वे, वी विल वेलकम द गेस्ट दिस वे, वी विल जस्ट सर्व देम। तो ये सब जो है हमारी प्रैक्टिसेस डिफाइन करती है कि हमारे इंडिविजुअल इन्फ्लुएंसेस जो हैं हमारी किस तरह से सोशल लाइफ को और हमारे कल्चर को डिफाइन कर रहे होते हैं। सो ऑन द नेक्स्ट स्लाइड लेट्स सी कि एग्जामिनर ने जैसे क्वेश्चन किया था कि जो कल्चर है ये पाकिस्तानी कल्चर में अदर कल्चर से क्या एग्जाम्पल है, या फिर इन्फ्लुएंस ऑफ एलाइड कल्चर्स ऑन पाकिस्तानी कल्चर, इसको आप इस तरह से भी देख सकते हैं। तो पाकिस्तान के कल्चर पे सदियों से मुख्तलिफ कल्चर्स के बड़े असरात हैं। यहाँ पे डिफरेंट जो है नेशंस पाकिस्तान जैसी सरजमीन पे आती रही हैं और उन्होंने अपनी रिच कल्चरल ट्रेडिशंस यहाँ छोड़ी हैं। आप इसको यूरोपियन कल्चर से रिलेट कर सकते हैं, आप इसको इस सेंस में भी देख सकते हैं कि किस तरह से डिफरेंट कल्चर्स जो हैं यहाँ पे वक्त के साथ साथ आते चले गए। सो लेट्स सी के वन बाय वन ये थ्रू सीक्वेंस हम इसको कुछ इस मैंने इसको डिजाइन किया है, थ्रू डिफरेंट सोर्सेज मैंने डेटा कलेक्ट किया था। तो सबसे पहले इंडो एरियन इन्फ्लुएंस है, इस तरह से हमारे कल्चर पे एरियंस आर्या लोग जिन्हें हम कहते हैं इन्होंने अपना इन्फ्लुएंस छोड़ा आज से तकरीबन 700-800 साल पहले। ये लोग जो हैं यहाँ पे आए और ये इन्वेडर्स थे, ये यहाँ के लोकल्स नहीं थे और रशियन ओरिजिन इनका मिलता है। तो इन्होंने यहाँ आके रशिया से कहा जाता है इन्होंने मूव किया इस एरिया में, और यहाँ पे जो मुकामी यहाँ के रहने वाले थे मोहनजोदाड़ो एंड हड़प्पा ट्रेडिशन इनके लोगों के साथ जो है फाइट की। मुकामी वो लोग थे, वो भी मुकामी नहीं थे लेकिन बट वी कैन से कि सिंधी जो हमारी है बैक देन जो हमारी ट्रेडिशन थी इंडस वैली सिविलाइजेशन जो कि मौजूदा सिंध है, इस एरिया में जो लोग रहने वाले थे उनके साथ इनके इंटरेक्शन हुए, किस तरह से उन्होंने उनसे फाइट की वॉर लाइक ट्राइबल वॉर्स, और फिर यहाँ पे एक इन्फ्लुएंस इनका हुआ और इनकी प्रैक्टिसेस। तो ये हमारे पाकिस्तानी कल्चर में पहली एग्जाम्पल जो है यहाँ से मिलती है। देन द पर्जियंस एंड सेंट्रल एशियन इन्फ्लुएंस, इनको अगर हम समझें तो फारसी जुबान और ये फारस यानी ईरान का कल्चर, यहाँ पे हमें अपने पाकिस्तान में ऐसी रिच सॉयल है हमारी यहाँ की कि यहाँ पे ये लोग भी मूव करते चले आए और इनकी ट्रेड की टाइज रही लोगों के साथ यहाँ के। तो इनकी जुबान यहाँ तक कि यहाँ पे इसको फारसी को सरकारी जुबान का दर्जा दिया गया मुगलिया दौर में। सो दिस इज हाउ के हमारे कल्चर में डिफरेंट कल्चर्स ने अपना अपना असर छोड़ा। आज भी आपको ये एज अ सब्जेक्ट पढ़ने के लिए डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स पे और डिफरेंट जगहों पे इसकी रिटन वर्ड्स, इसके इशार, इसकी पोएट्री एक कल्चरल एक्सप्रेशन के तौर पे मिलती है। देन आर इस्लामिक ट्रेडिशंस, जब यहाँ पे अरब्स आए मोहम्मद बिन कासिम का इवेंट, ये तो ऑलमोस्ट आप सबने पढ़ा होगा कैसे उसने 712 में सब कॉन्टिनेंट पे अपनी फर्स्ट इन्वेजन की फॉर सम अदर रीजन, लेकिन उसके बाद से ट्रेडिशनल एंड कल्चरल टाइज के साथ साथ जो है यहाँ पे ट्रेड भी होती है, अरब्स आते रहे और उन्होंने उनके अच्छे मॉरल प्रैक्टिसेस की वजह से इस्लाम यहाँ पे जो है लोगों के लिए एक अच्छी एग्जाम्पल के तौर पे मौजूद रहा। तो ये एग्जाम्पल भी हमें अपने कल्चर से मिलती है और मेजोरिटी आज इसीलिए इस कंट्री में लोग जो है मुस्लिम हैं। देन मुगल हेरिटेज, ये लोग भी एज एम्परर्स जो हैं एज इन्वेडर्स पाकिस्तान की इस सरजमीन पे इसके बनने से कोई 600 साल पहले यहाँ पे आए एंड देन दे जस्ट हैड रूल हियर एज एम्परर्स, और इनकी ट्रेडिशंस ठीक है इसकी बुनियाद जो है हुमायूं की रूस के बाद जो है ये मुगलिया सल्तनत चलती चलती जो है बहादुर शाह जफर के साथ यहाँ पे खत्म होती हुई हमें नजर आती है, और आज भी उनकी बनाई हुई मोनूमेंट्स उनकी वो बिल्डिंग्स उनकी हेरिटेज के हमें निशानात यहाँ देखने को मिलते हैं। सो दिस इज अनदर एग्जाम्पल। लाहौर में आप देख सकते हैं आप इसके डिफरेंट सिटीज में शेखुपुरा में इसके जो है वो कल्चरल इनके सिंबल्स और इनके जो
हेरिटेज है, इसको आप जाके एक्सप्लोर करते भी हैं और देखते भी होंगे। देन आर मिस्टिक ट्रेडिशंस, हमारा जो यहाँ का सूफियाना निज़ाम है, फन का ही निज़ाम है, किस तरह से जो है वो आपको हर शहर में, हर इलाके में ये सूफी सिस्टम जो है, इनके मुख्तलिफ सिलसिले हैं, ये चलता हुआ नज़र आता है, और किस तरह से लोग इनको मानते हैं, इनको फॉलो करते हैं। तो ये भी पाकिस्तान में दूसरे कल्चर से एग्जाम्पल है, ये टर्किश और समरकंदी ये ट्रेडिशंस थी जो कि हमें अपनी कंट्री में नजर आती हैं। सो दिस इज अनदर एग्जाम्पल। फिर ब्रिटिश कॉलोनियल लेगेसी, किस तरह से मुगलिया सल्तनत के खात्मे के साथ ही ये जो बरतानिया का सल्तनत, बरतानिया का राज आपको यहाँ पे होता हुआ नजर आया, और किस तरह से इस ब्रिटिश रूल के बाद यहाँ पे उनकी भी छोड़ी हुई यादगारें और उनके छोड़े हुए रूल्स, उनके छोड़े हुए जो है नहरी निज़ाम और मुख्तलिफ चीज़ें जो हैं आपको एग्जाम्पल दे रहे हैं पाकिस्तानी कल्चर में, ये मौजूद हैं। देन हमारा अपना ट्राइबल एंड इंडिजनस कल्चर है, जिसमें हम देखते हैं कि लोग जो हैं मुख्तलिफ इलाकों में, खासतौर पर ट्राइबल एरियाज में, या हमारे और इलाके जिन पे हर इलाके का एक रवायती जो है अंदाज होता है जिंदगी गुजारने का, ये भी हमारे कल्चर पे एक अच्छी एग्जाम्पल के तौर पे आप इसको ऐड कर सकते हैं। देन द चाइनीज इन्फ्लुएंस, पाक चाइना दोस्ती जिंदाबाद, ये वही बात है, और पाकिस्तान का चाइना के साथ एक बरादराना ताल्लुकात का सिलसिला जो 1950 से आज तक चलता रहा और अभी भी ये दोस्ती कायम और दायम है, सी पैक इसकी एक एग्जाम्पल है। और इसके अलावा भी मुख्तलिफ जो है डिप्लोमेटिक रिलेशंस जो है, ये पाकिस्तानी कल्चर पे दूसरे कल्चर का इन्फ्लुएंस है। चाइनीज लैंग्वेज सीखने के लिए डिफरेंट इंस्टीट्यूशंस हैं, और इनके कल्चरल डेज को सेलिब्रेट करने के लिए पाकिस्तान में भी हम देखते हैं कि इसको रिप्रेजेंट किया जा रहा होता है नेशनल लेवल पे। सो दिस वाज आवर चाइनीज इन्फ्लुएंस हियर इन पाकिस्तान। देन द वेस्टर्न इन्फ्लुएंस, किस तरह से वेस्ट जो है उनका सोशल मीडिया, उनका जो है लाइफस्टाइल, उनका जो है वे ऑफ लाइफ, उनका कल्चर कैसे यहाँ पे हम देखते हैं लोग जो है इसको प्रैक्टिस कर रहे होते हैं। हमारी यूथ मोस्टली हम देखते हैं दे फॉलो देम, दे ट्राई टू वेयर द क्लॉथ लाइक देम, दे ट्राई टू स्पीक लाइक देम, एंड दे ट्राई टू बी लाइक देम, विच इज अ हेल्दी साइन, क्योंकि पाकिस्तानी कल्चर में हमें डाइवर्सिटी नजर आ रही होती है। मोस्टली जो है हमारे अर्बन एरियाज में, सिटीज में रहने वाले लोग जो है इसको फॉलो करते हुए नजर आते हैं। फिर अरब एंड मिडल ईस्टर्न इन्फ्लुएंस भी यहाँ पे नजर आता है, कि अरबी रस्म अल खत, हमारी आप उर्दू देखते हैं जो हम लिख रहे होते हैं, इट इज सिमिलर टू दैट, उसी के जैसा है, और यहाँ पे हमें नजर आता है कि कैसे अरब सिविलाइजेशन के जो हैं आसार हमारे लोकल कल्चर पे हैं। लोग जो हैं अभी आपने एक रिसेंट एग्जाम्पल, आई होप सो कि आप सबने सोशल मीडिया पे देखी होगी, किस तरह से अभी भी विदाउट प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग समटाइम जो है अरेबिक वो जो राइटिंग स्टाइल है या वो जो उनका लिखने का अंदाज है, उसको यही समझ रहे होते हैं कि इट इज समथिंग रिलीजियस। खैर दैट इज अनदर डिस्कशन सम अदर टाइम। तो ये इन्फ्लुएंस है उस कल्चर का कि हमारे माइंड सेट जो है हर वो इबारत जो इस तरह से लिखी है उसको समझते हैं कि मे बी इट इज समथिंग, नॉट ऑल बट सम पीपल। क्रॉस बॉर्डर एक्सचेंजेस, अब पाकिस्तान की ये जो जियोपॉलिटिकल पोजीशन है या जो हमारी जियोग्राफिकली यहाँ पे जहाँ हम रह रहे हैं इस कंट्री में, हमारे साथ हमारी नेबरिंग कंट्रीज जो हैं इनसे रिलेशंस, और इनके साथ जो हमारे ट्रेड एक्सचेंजेस, इनको अगर हम एक एक नज़र से देखें तो दिस इज हाउ इट इज डिलीवरिंग सम मैसेज टू ऑल ऑफ अस कि हमारा कल्चर जो है ये किस तरह से डिफरेंट इन्फ्लुएंसेस के साथ मिलके डिफरेंट क्रॉस बॉर्डर एक्सचेंजेस के साथ जो है परवान चढ़ता जा रहा है। इरानियंस, अफगानी और ये सारा कल्चर किस तरह से हमारे कल्चर के साथ जो है किस तरह से चेंजिंग, एक्सचेंजिंग और डिफ्यूजन का रोल प्ले करता होता है। फिर ट्रांजिशनल कम्युनिटीज है हमारी, हमारी कम्युनिटीज में भी तो ट्रांजिशन और चेंज आता है। द जिप्सी कम्युनिटी लाइक एन एग्जाम्पल, यू कैन सी देम कि किस तरह से खानाबदोश लोग जो हैं इनके भी रहन सहन का अंदाज, उनकी लाइफ में चेंज आते हैं। ये लोग जो स्लम्स में रहते थे, नाउ दे आर हैविंग अ बेटर लाइफ स्टाइल,
ठीक है, तो ये भी एक ट्रांजिशनल कम्युनिटी की एग्जाम्पल है। देन हमारा ग्लोबल पॉपुलर कल्चर है हमारी कंट्री में जो है, हम उसकी एग्जाम्पल्स देखते हैं कि जो दुनिया में आजकल ट्रेंड चल रहे हैं डिफरेंट कंट्रीज में, इट इज नॉट अ गेम कि अब हमें भी इतनी अंडरस्टैंडिंग और नॉलेज ना हो। द वर्ल्ड इज फास्ट एंड इट इज बिकमिंग अ विलेज, ठीक है, हम इसे कहते हैं अगर कि ये ग्लोबल विलेज बन चुकी है दुनिया, कि दुनिया किसी भी कोने में अगर कोई कल्चरल प्रैक्टिसेस या कोई इस तरह के आइडियाज हैं तो एवरी वन हैज द राइट टू नो एंड एवरी वन ऑलमोस्ट गेट्स टू नो दैट। ये हमारे कल्चरल फेस्टिवल्स होते हैं, इसकी हम ऑलरेडी सब पीछे स्लाइड पे डिस्कशन कर चुके हैं। तो ये फेस्टिवल्स हम तक एक ट्रेडिशन, कुछ रवायात, कुछ रहन सहन के अंदाज पहुंचा रहे होते हैं जिनको हम फॉलो करते हैं, जिनका हम हिस्सा होते हैं और जिनमें हम अपनी जिंदगी गुजारते हैं और हम लाइफ को एंजॉय करते हैं इनके साथ। देन द हिमालयन एंड तिब्बतन इन्फ्लुएंस। गाइस लेट्स स्टॉप हियर फॉर अ फ्यू मिनट्स।
जी तो क्लास, थैंक यू फॉर योर पेशेंस. एक्चुअली अजान थी इसलिए मैंने आपको 2 मिनट्स का जस्ट गैप दिया था. ओके, नाउ लेट्स गेट बैक टू द लेक्चर. बट लेट मी आस्क यू फर्स्ट, क्या आप सबको इस लेक्चर की समझ आ रही है? काइंडली टेल मी, क्या आपके लिए क्लियर है? ओके, थैंक यू. ठीक है, आपके जो क्वेश्चंस हैं इनको मैं एंड पे एड्रेस, अगेन आई विल एड्रेस देम. तो आप लोग नोट डाउन करते जाओ, एंड पे जो है हम थोड़े 5-10 मिनट्स में क्वेश्चन आंसर्स को देख लेंगे. सुनेरा, आपका क्वेश्चन काइंडली इसको रिपीट करें जरा. क्वेश्चन में क्या पूछा जाता है? ये मैंने आपको डिफरेंट इयर्स के जो है क्वेश्चंस की एग्जांपल दी है कि इस तरह से ये क्वेश्चन अगर आप पास्ट पेपर उठाएं तो आपको खुद समझ आएगी कि डिफरेंट इयर्स में एग्जामिनर ने इस स्पेसिफिक टॉपिक पे, जस्ट कल्चर के टॉपिक पे, ये क्वेश्चंस जो हैं आपसे पूछे हैं. ठीक है, तो यस, कि पाकिस्तानी कल्चर जो है इस पे इंडिविजुअल के इंडिविजुअल्स कैसे मिलके इस कल्चर को जो है इन्होंने ग्रो करने में या इवॉल्व करने में या चेंज होने में हेल्प किया है. सो दिस इज द इंडिविजुअल इन्फ्लुएंस ऑन योर कल्चर, ये एग्जामिनर आपसे पूछना चाह रहा था. ओके अली, आई विल आंसर यू लेटर. सो लेट्स कंटिन्यू, इस तरह से टेम्पो रहता नहीं है. सो जस्ट गेट बैक टू द स्लाइड्स एंड सी के वट इज एल्स. तो हमारा जो है, आई होप सो कि द स्क्रीन इज क्लियर, आप सब देख रहे हैं. ओके, हमारा फॉरेन कुजीन कल्चर, हम देखते हैं कि हमारे कल्चर में इसकी भी एग्जाम्पल है. डिफरेंट टाइप की फूड इंडस्ट्री जो है आपको नजर आती है, कि हर तरह के खाने जो हैं आप रेस्टोरेंट जाके ऑर्डर करते हैं और आप देखते हैं कि घरों में भी लोग बना रहे हैं. सो हमारे कल्चर का जो हिस्सा नहीं थे ऐसे खाने भी आप टेस्ट करते हैं, इंजॉय करते हैं. तो ये हमारे कल्चर पे असर है डिफरेंट कल्चर्स का. मल्टीलिंगुअलिज्म, इसका मतलब है कि मुख्तलिफ जुबानें जो बोली जाती हैं हमारे कल्चर में, ये भी मुख्तलिफ कल्चर्स की एग्जाम्पल भी हैं. ठीक है, जो कि हमारी कंट्री में आपको देखते हैं कि हर मुख्तलिफ इलाके से आने वाले लोग जो हैं मुख्तलिफ जुबानें बोल रहे होते हैं. तो ये था मल्टीलिंगुअलिज्म. अब आप खुद से एग्जांपल इसमें रिलेट करें, जिस जिस इलाके से आप बिलोंग करते हैं अगर वहाँ पे उर्दू नेशनल लैंग्वेज है, इसके अलावा जो है आपकी लोकल डायलैक्ट, आपकी जो है मुकामी जुबानें वो भी हैं, तो बताते चले जाएं. ठीक है, सो दिस इज मल्टीलिंगुअलिज्म. बहुत सी जुबानें एक ही मुल्क में, पाकिस्तान में, इंडिविजुअल्स बोलते हैं और इस कल्चर को शेप करते हैं. फिर म्यूजिक एंड डांस, इसमें भी आप देखते हैं कि हमारे कल्चर में हमारे अपने ट्रेडिशन के अलावा भी आप देखते हैं कि डिफरेंट जो वर्ल्ड वाइड इंटरनेशनल कल्चर है उसमें जो जुबानें और जो जिस तरीके से लोग रिदम्स पे डांस कर रहे होते हैं, म्यूजिक डिफरेंट टाइप के, ये सब जो है एग्जाम्पल है. फिर वैरायटी ऑफ अटायर, अब आप क्लॉथ्स की वैरायटी देखें जरा, कौन कौन सी आपके आसपास और आप जो पहनते हैं इसमें कितने डिफरेंट टाइप के क्लॉथ्स होते हैं. सो दिस इज आवर कल्चर. ये क्वेश्चन यहाँ तक का ही था. ठीक है, एग्जाम्पल्स ऑफ डिफरेंट कल्चर्स इन पाकिस्तानी कल्चर. तो नेक्स्ट स्लाइड पे हम चेक करेंगे कि नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो क्या है. इसी तरह से पास्ट पेपर में आपसे सवाल पूछा गया था कि दूसरे कल्चर्स की पाकिस्तान की इम्पोर्टेंस ऑफ कल्चर्स इन सर्वाइवल ऑफ सोसाइटीज. ओके, सो दिस इज एन अदर क्वेश्चन कि किस तरह से हाँ जो है मुख्तलिफ दुनिया में कल्चर हैं, जो रहन सहन के अंदाज हैं, मुआशरे किस तरह उनसे उनकी वजह से जिंदा रहते हैं या चलते हैं. ठीक है, तो अब जाहिर है मैं आपको ये बता चुकी हूँ कि एक ही वक्त में एक मुआशरे में बहुत सारे कल्चर्स भी होते हैं और इसी तरह से दुनिया में भी एक ही वक्त में बहुत सारे अलग अलग जो है रस्म व रवाज कल्चर्स मौजूद होते हैं.
किस तरह से ये सोसाइटीज की सर्वाइवल में, यानी मुआशरे की बका में मुआशरा बचा रहे, चलता रहे, मुआशरे में लोग जो हैं वो कल्चर के साथ खुद को जुड़ा हुआ महसूस करें. दिस इज द राइट वर्ड. तो ये हमारे कल्चर में कौन कौन से इसकी जो है मिसालें हैं. ठीक है, अब से मैं कोशिश करूंगी कि इसको उर्दू में आपको समझाने की प्रॉपर जो है कोशिश हो, कि आप सबकी प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग के साथ ये जो है नॉलेज बिल्डिंग होती रहे. जैसे हम लिखेंगे कि आइडेंटिटी एंड बिलोंगिंग, ये है जी हमारे रस्म और रिवाज का किरदार, कि हमारे मुआशरे के अंदर हम रह रहे हैं तो उसी मुआशरे से हम खुद को जुड़ा हुआ महसूस करें, क्योंकि मुआशरा हमें एक पहचान भी देता है और हमें रहन सहन के अंदाज भी देता है. तो ये अहमियत है कल्चर की. ये है कि हमारा कल्चर जो है, या मुख्तलिफ मुआशरों में मुख्तलिफ कल्चर्स क्यों होते हैं. फिर सोशल इंटीग्रेशन, ये कॉन्सेप्ट है. जैसे मैंने आपसे कहा कि ये सब्जेक्ट इजी है, इसमें कॉन्सेप्ट्स को आपने समझना होता है और फिर उनको आप एक्सप्लेन करते हैं. सोशल इंटीग्रेशन है यानी कि मुआशरे में आपको खुद को जुड़ा हुआ फील करना, मुआशरे के साथ मिलके रहना. दिस इज कॉल्ड सोशल इंटीग्रेशन. यू लर्न टू लिव विद द पीपल अराउंड यू, या अपनी सोसाइटी के साथ आप जीना सीखते हैं. सो दिस इज इम्पोर्टेंस ऑफ कल्चर. फिर आपकी लैंग्वेज और कम्युनिकेशन, आपकी जो जुबान है, आपका बोलने का अंदाज है, दूसरों के साथ मिलके बात करना, आपका उनके साथ अपने पैगाम को पहुंचाने का एक तरीका, इसे हम कहते हैं कम्युनिकेशन. और आपकी लैंग्वेज, ये भी कल्चर की अहमियत है. फिर अडाप्टेशन टू एनवायरनमेंट, जिस माहौल में आप पैदा हुए हैं, चाहे वो किसी विलेज में है या किसी शहर में, सिटी में, तो आप उसके मुताबिक जीना सीखते हैं. ये आपके माहौल के साथ, आपके कल्चर में आप देखते हैं कि आप क्या कल्चर किस तरह से आपको एक माहौल का हिस्सा बना देता है, और आपको अंदाजा भी नहीं होता कि आप इसी कल्चर की पैदावार हैं. ठीक है, सो दिस इज हाउ कि ये कल्चर आपको चेंज करता है. देन कल्चरल ट्रांसमिशन, कि जो डिफरेंट कल्चर्स हैं हमारे कल्चर तक पहुंचे, इसी तरह से हमारा कल्चर जो है ये भी ट्रांसमिट होता है डिफरेंट सोसाइटीज में, डिफरेंट एरियाज दुनिया के जो है उनमें. तो ये है कल्चरल ट्रांसमिशन का कॉन्सेप्ट. फिर हमारी मुआशरे में ये सोशल नॉर्म्स, अगेन अ न्यू कॉन्सेप्ट फॉर यू गाइस, कि ये जो सोशल नॉर्म्स हैं ये क्या होती हैं. ये हमारे जो हैं रस्म और रिवाज, या आप इसको समझें हमारे रहने सहने के अंदाज, ठीक है, हमारी वैल्यूज, हमारे नॉर्म्स, ये जो है हमारी सोशल स्टेबिलिटी की बात करते हैं, कि हमारे कल्चर में ये हमारी रवायात हैं एक दूसरे के साथ सोसाइटी में रहने के लिए. लोग जो हैं जिन तरीकों को अपनाते हैं, इनको हम कह रहे होते हैं कि ये हमें सोसाइटी को स्टेबल रखने में, एक मुआशरे को चलाने में अपना किरदार अदा कर रहे होते हैं. फिर हम कल्चर की अहमियत को इस तरह से भी देख सकते हैं कि हमारे डिफरेंट अगर इश्यूज हैं सोशल लाइफ में, जिंदगी में इंसानों को मुख्तलिफ मसलों से गुजरना पड़ता है, या उनके सामने मसले पेश आते हैं उन्हीं के उस माहौल में रहते हुए, तो उनको हल करने के लिए जो है हमारे कल्चर में कुछ सॉल्यूशंस होते हैं, हल के तरीके होते हैं, या कुछ ऐसी इनोवेशंस होती हैं, कुछ इस तरह से इजादात होती हैं कि हम मुआशरे में रहते हुए अपनी जिंदगी को बेहतर तौर से गुजार सकें. फिर हमारी शेयर्ड वैल्यूज और मोरालिटी, ये भी कल्चर की अहमियत को वाजे करती चली जाती है, कि किस तरह से लोग अपनी सोसाइटी के अंदर एक ही जैसा खुद को महसूस कर रहे होते हैं अपनी वैल्यूज के जुड़ा होने को. जैसे इसकी एग्जाम्पल मैं आपको दूंगी कि लोग जो हैं आपस में सलाम करते हैं ऑलमोस्ट हर हमारे कल्चर की ये बहुत कॉमन एग्जाम्पल है, कि एक दूसरे को अगर मिलेंगे तो सलाम लेंगे, या एक दूसरे का हाल पूछेंगे और क्या चल रहा है लाइफ में और क्या हो रहा है. ये हमारी शेयर्ड वैल्यूज हैं, कि हम कहीं भी चले जाएं, हम बाकी बातों की बात से पहले इन चीजों को पहले हम देख रहे होते हैं. फिर वी कंटिन्यू, माहौल कैसा है, वेदर कैसा है, ये जनरल डिस्कशन है. तो ये हमारी शेयर्ड वैल्यूज हैं. हमारी मोरालिटी जो है उसकी एग्जाम्पल्स आप देखें, कि हमारे हम सच बोलने वालों को, अच्छे काम करने वालों को, या मुआशरे में
दूसरों की फलाह का सोचने वालों को, जो है हम समझते हैं कि ये हमारे कल्चर में अच्छी मिसालें हैं, ये अच्छे लोग हैं, क्योंकि ये सिंबल्स ऑफ मोरालिटी या हमें अच्छी एग्जाम्पल सेट करते हुए जो लोग नजर आते हैं। सो ये हमारी वैल्यूज, हमारी मोरालिटी, हमारे वो स्टैंडर्ड्स जिनको हम सोचते हैं या जिनको हम प्रैक्टिस कर रहे होते हैं, ये मिसालें हैं कल्चर की। तो ये अहमियत है कि किस तरह से आपका कल्चर आपकी सोसाइटी को जिंदा रहने में मदद कर रहा होता है। क्योंकि अगेन अगर आप देखें, क्वेश्चन में एग्जामिनर ने दो बातें की थी कि आपका कल्चर आपके मुआशरे को किस तरह से जिंदा रख रहा होता है। मैं एग्जाम्पल इसलिए ज्यादा कोट कर रही होती हूँ स्टूडेंट्स के, आप इन आंसर्स में एग्जाम्पल्स को लिखते चले जाएं ताकि क्लियर होता जाए कि हमारी सोसाइटी से हमारा ये आंसर कैसे रेलिवेंट है। ये एग्जामिनर आपसे चाह रहा है इस सवाल में। फिर सोशलाइजेशन एजुकेशन पे जैसे हमने अभी पहले बात की कि किस तरह से एक फर्द को जो हमारे माशरे में या किसी भी माशरे में पैदा होता है, उसको उसका माशरा जो है घर से तरबियत दे रहे हैं, उसका स्कूल, उसके दोस्त, उसके साथ रहने वाले लोग, सारी जिंदगी वो जिस पब्लिक में जिस तरह से गुजारता है, ये सब बेसिस हैं, ये सब बुनियाद हैं कि आपकी जो है सोशलाइजेशन, आपकी तालीम जो है आपको एक सेट, एक माइंड सेट प्रोवाइड करती है, जिंदगी गुजारने का एक तरीका दे रही होती है। ये अहमियत है कि हमारा कल्चर जो है ये सब इंग्रेडिएंट्स हैं, ये हमें देता है और हम एक सोसाइटी में सर्वाइवल होते हुए देखते हैं। रिजिलियंस एंड अडैप्टेबिलिटी, ये नेक्स्ट पॉइंट जो है, रिजिलियंस अ न्यू कॉन्सेप्ट, ठीक है। रिजिलियंस जो है एक्चुअली ये इंसान के अंदर एक कैपेबिलिटी होती है, एक सलाहियत जो है कि आपके सामने जैसे भी हालात आए हैं आपने उनको फेस करना है या उनमें से अच्छे तरीके से गुजरना है, आपके अंदर जो है स्टेमिना बिल्डिंग, पेशेंस बिल्डिंग और इस तरह की जो है अच्छी हैबिट्स आती चली जाएं, तो ये आपने रिजिलियंस जो है और अडेप्टेबिलिटी जैसे भी हालात हैं उनके मुताबिक खुद को बेहतर तरीके से ढाल लेना। तो ये आपके कल्चर में आपको ये चीजें जो हैं आपके अंदर इनबिल्ट नहीं होती, ये कल्चर समटाइम्स आपको सिखा रहा होता है और आप अपनी सोसाइटी के साथ इसकी सर्वाइवल में इस चीज को देखते हैं कि ये आपको समाज में जोड़े रखती है, जिंदा रखती है। प्रिजर्वेशन ऑफ हेरिटेज, आपका विरसा, आपकी सकाफत, आपका जो है मुआशरे में जो लोग आपकी रवायात हैं उनको महफूज रखना, ठीक है, उनको प्रिजर्व करना ताकि आप उनके तहत अपनी जिंदगी को बेहतर तौर पे जी सकें और इन सिंबल्स को देख के आप खुद को इनके साथ जुड़ा हुआ महसूस करें कि हमारा जो है विरसा, हमें ये चीजें, ये अच्छी आदत, ये सिंबल्स, ये जो है इस चीज की याद दिला रहे हैं कि हम इसी कल्चर से बिलोंग करते हैं और ये हमारी अबाई अजदाद की या हमारी इस कल्चर की निशानियां हैं जिनको हमने महफूज करना है और नेक्स्ट जनरेशन तक ट्रांसमिट करना है। नेक्स्ट इज इंटरकनेक्टेडनेस एंड कॉपरेशन। इस पॉइंट में हमें समझ आ रही है कि किस तरह से हमारी जो है मुख्तलिफ सोसाइटीज की बका के लिए कल्चर जो है वो रास्ते देता है, वो तरीके देता है जिनके जरिए हम आपस में मुख्तलिफ जुबानें बोलते हुए, मुख्तलिफ लिबास पहनते हुए, मुख्तलिफ तरह से जिंदगी गुजारते हुए भी एक दूसरे से जुड़ा हुआ इस कंट्री में या मुख्तलिफ मुआशरों में महसूस करते हैं, ठीक है, और एक दूसरे के साथ ताउन करते हैं। देन सिंबॉलिक इंटरेक्शनिज्म, दिस इज वेरी इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट। यहाँ पे हमें समझ आती है कि किस तरह से हम इंटरेक्शनिज्म, ये है कि हम दूसरों से बात करना, आप अपने नेक्स्ट पर्सन से जो बात करते हैं, आपके साथ कोई बैठा है या आप कहीं जा रहे हैं या घर में हैं तो दूसरों से आप जो बातचीत करते हैं, सिंबॉलिक इंटरेक्शनिज्म है ये आपकी। हम सोशल वर्क में इसको इस तरह से समझ रहे होते हैं। दिस इज वेरी इजी कि आप इसको अपनी लाइफ से रिलेट करें तो आपको समझ आएगी कि हमारा दूसरों से बोलना, दूसरों के साथ बातें करना, गपशप करना, हंसना और अपनी बातें शेयर करना, अपने एक्सपीरियंसेस, अपने आइडियाज, ये सिंबॉलिक इंटरेक्शनिज्म है। देन द कल्चरल कैपिटल, कि आपकी सोसाइटी के बका में क्वेश्चन के अकॉर्डिंग अब हम जवाब में लिखेंगे कि हमारा जो कल्चरल कैपिटल है जो हमने अपने कल्चर से जो लर्निंग ली
उसके जरिए से हमने इस कल्चर को खुद भी रिच करना होता है, अपनी जो हमारी लर्निंग है, जो हमारी ग्रोथ है, जो हमारी डेवलपमेंट है, हम कोई चीज इन्वेंट कर रहे हैं, ईजाद कर रहे हैं, कुछ हम जो है कल्चर में चेंज लेके आ रहे हैं, कुछ हमारी सोच में या मौसम में रहने वाले लोगों की जो है अंदाज, उनके ख्यालात में अगर कोई तब्दीली आ रही है, तो ये सब मिलके कल्चरल कैपिटल बनाता है। ये कॉन्सेप्ट इस तरह से है। देन कल्चरल डाइवर्सिटी एंड प्लूरलिज्म, यानी आपका कल्चर जो है ये इतना बिखरा हुआ, अलग अलग शोबों में बटा हुआ, मुख्तलिफ चीजों में आप इसको देखते हैं, और प्लूरलिज्म इसमें हम देखते हैं हमारे कल्चर में हमें हर चीज में जो है सिमेट्रिकल शेप की जो है रिजेम्बलेंस वो नहीं मिलती, थिंग्स आर डिफरेंट, अलग अलग हैं, और चीजें जो है लोगों के पास अलग अंदाज से, हर घर में आप देखें एक अलग ट्रेडिशन, एक अलग लाइफ स्टाइल और एक अलग तरह से जो है वो जिंदगी गुजारने के आदाब तरीके, ये सब कल्चरल डाइवर्सिटी है जो आपकी सोसाइटी की सर्वाइवल के लिए जरूरी भी है। ठीक है, कि सारी सोसाइटी एक ही जैसे लोगों से मिलके और एक ही जैसे काम करने वाले लोगों से मिलके नहीं बनी होती, मुख्तलिफ शोबे हैं, मुख्तलिफ तरह के लोग हैं, मुख्तलिफ हुनर हैं उनके, मुख्तलिफ पेशे हैं उनके, मुख्तलिफ काम करते हैं वो, दिस इज द कल्चरल डाइवर्सिटी। ये हमारे कल्चर के रिचुअल्स हैं, हमारी सेलिब्रेशंस हैं, इसमें हम बात कर चुके हैं, एंड आई होप सो इट्स क्लियर फॉर यू अभी तक। यस जी, ये क्लासेस सिर्फ ऑनलाइन है, और ये रमजान सेशन जो है आपके लिए इसमें फैसिलिटी दी है हमने इस इंस्टीट्यूशन के थ्रू, कि आपको घर बैठे ही जो है इस सब्जेक्ट के ऊपर इंशाल्लाह फुल ग्रिप जो है दी जाए, विद इन अ मंथ आप इसको जो है समझ सकें, और देन यू विल बी एबल टू गेट गुड मार्क्स, बल्कि एक्सलेंट मार्क्स इंशाल्लाह इन द पेपर। ठीक है, तो ये रमजान सेशन में आपका ये सब्जेक्ट जो है ये कंप्लीट हो जाएगा। ये हम एंड पे बात करते हैं फहमीदा, अ वेरी गुड क्वेश्चन, आप ये मुझे एंड पे अगर रिमाइंड करवा दें तो। ओके सो इट्स क्लियर टिल नाउ, सो नाउ सी व्हाट्स नेक्स्ट। जिस तरह से हमने बात की थी कि क्वेश्चन में एग्जामिनर ने आपसे पूछा था कि हमारे कल्चर पे, पाकिस्तान के कल्चर पे दूसरे कल्चर्स, इस दुनिया में मुख्तलिफ और कल्चर्स भी हैं, ये बात हम समझ चुके हैं, हम जानते हैं, हमने देखा भी है लाइफ में, तो जो मुख्तलिफ कल्चर्स हैं उनका पॉजिटिव जो है इन्फ्लुएंस वो क्या है। ठीक है, यहाँ पे अभी हम देखेंगे कि क्या मुस्बत असरात हमारे कल्चर ने, पाकिस्तानी कल्चर ने मुख्तलिफ ममालिक के कल्चर से लिए हैं। तो हम देखते हैं कि हमारे यहाँ क्यूलिनरी डाइवर्सिटी एंड फ्यूजन जो है बहुत ज़्यादा है, ये एक पॉजिटिव इफेक्ट है। ज़ाहिर है दुनिया में आप देखते हैं कि एक चीज़ को या एक आइडिया को या किसी मटेरियल चीज़ को जो बनी होती हैं चीज़ें, ठीक है, जैसे न्यू स्टाइल ऑफ क्लॉथ्स और ब्रांड न्यू समथिंग, यू कैन गेस, आप लोग देख सकते हैं कि जैसे कोई नई ब्रांड है या कोई नए आइडियाज़ हैं, न्यू नॉवेल्स हैं, न्यू बुक्स हैं, आपके बॉल पॉइंट्स हो गए, यू गाइस आर स्टूडेंट्स, तो जस्ट सी कोई उसमें न्यू वैरायटी आ जाती है, और ये सब कुछ जो है हमारे कल्चर का अगर हिस्सा नहीं है तो वो दूसरे कल्चर से हम तक चीज़ें पहुंच जाती हैं। ठीक है, आजकल दुनिया वैसे भी एक क्लोज कांटेक्ट के साथ सब लोग जो हैं अमेज़ॉन और डिफरेंट प्लेटफॉर्म से शॉपिंग कर रहे हैं, सब सबको पता है कि किस तरह से डिफरेंट कल्चर्स की चीज़ें, वहाँ की जो बेस्ट प्रोडक्ट्स हैं, बेस्ट अवेलेबल थिंग्स हैं, वो आप तक कैसे पहुँच रही। सो दिस इज द फ्यूजन प्रोसेस, के एक कल्चर में दूसरे कल्चर से चीज़ों का आना, सो दिस इज अ वेरी पॉजिटिव इफेक्ट। फिर हमारी लैंग्वेज इनरिचमेंट है, हमारी जुबान जो है उर्दू कौमी जुबान, इसकी अभी हम बात करेंगे, इसमें आप देखते हैं कि बहुत सी और जुबानों के अल्फाज भी शामिल हैं।
इतनी ये जुबान जो है दरफेज है कि ये अरबी, फारसी, पंजाबी, इंग्लिश, इस तरह के मुख्तलिफ जो अल्फाज हैं जुबान का हिस्सा है। तो ये है कि दूसरे जो कल्चर्स हैं उनका पाकिस्तानी कल्चर पे पॉजिटिव असर। लैंग्वेज इज रिच, लैंग्वेज इनरिचमेंट। फिर हमारे आर्किटेक्चुअल मार्वल्स आप देखते हैं, हमारे मुल्क में ऐसे ऐसे शाहकार और ऐसी ऐसी ये रवायती कदीम जो है मुजस्मे, ऐसे बर्तन, ज़रूफ़ और ऐसी चीज़ें जो हमें बताती हैं कि हमारे आर्किटेक्चुअल स्टाइल में, बिल्डिंग्स में इवन आप देखें, ये ऐसे ऐसे शाहकार हैं जो हमें याद दिलाते हैं कि मुख्तलिफ कल्चर्स ने यहाँ पे आके पॉजिटिव असरात छोड़े हैं। जैसे आप देखते हैं मीनार पाकिस्तान के अलावा बादशाह मस्जिद हो गई और बहुत सी और जगह। सो दीज आर द वेरी पॉजिटिव इफेक्ट्स, इन्फ्लुएंसेस हमारे कल्चर पे। म्यूजिक और आर्ट में भी आपको बहुत सारी डाइवर्जन नज़र आती है। फोक म्यूजिक हो गया, आपका पॉप कल्चर हो गया, और इस तरह से ये सब चीज़ें म्यूजिक और आर्ट हमारा जो है कैलीग्राफी, इसमें डिफरेंट फिर जो है स्टाइल्स, एब्स्ट्रैक्ट आर्ट और दीज थिंग्स मेक आर कल्चर रिच। तो कुछ चीजें तो हमारे अपने कल्चर में ऑलरेडी थी, लिखने का स्टाइल या ऐसा से खताती का अंदाज, लेकिन म्यूजिक और बहुत से और जो है ऐसे एलिमेंट्स जो हमारे कल्चर में मौजूद नहीं थे लेकिन अब यहाँ का हिस्सा बन चुके हैं। ठीक है, दिस इज इस तरीके से जो है नॉलेज या आपकी कल्चर की प्रैक्टिसेस जो है डिफाइन और रिफाइन होती चली जाती हैं। मुख्तलिफ कल्चर्स का ये एक पॉजिटिव इन्फ्लुएंस है हमारे कल्चर पे। देन द टेक्सटाइल्स एंड फैशन, डिफरेंट तरह के कल्चर्स का आप देखते हैं कि इंटरनेशनल डिफरेंट ब्रांड्स और हमारे यहाँ की लोकल जो है इंडस्ट्रीज, टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज जो है किस तरह से अपने जो है क्लॉथ्स के स्टाइल्स को लोकलाइज होने के अलावा इंटरनेशनल स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंग डिफरेंट डिजाइन में वो प्रेजेंट कर रहे होते हैं थ्रू मॉडल्स, थ्रू डिफरेंट वेज, थ्रू एडवर्टाइजमेंट। तो ये बड़ी इसकी एक रेलिवेंट एग्जाम्पल है। इसमें आप एग्जाम्पल ऐड करते चले जाएं हर क्वेश्चन में, सो यू गाइज विल हैव अ वेरी गुड आंसर। ठीक है, सो कल्चरल एक्सचेंज, ऐसे फेस्टिवल्स भी होते हैं जहाँ पे मुख्तलिफ कल्चर्स के लोगों को इनवाइट किया जाता है, उनकी जो है थीम्स उनके सेट होते हैं, द वे दे कम एंड रिप्रेजेंट देयर कल्चर। तो ये एक हमारे लिए एग्जाम्पल सेट होती है कि अच्छा दिस इज द वे सम अदर पीपल आर लिविंग, और हमें भी उन्हीं की तरह से अपने कल्चर को चेंजेस, कल्चरल चेंजेस जो हैं या कल्चर के एक्सचेंज, किस तरह से हमारे कल्चर की जो हैं कुछ अच्छी खूबियाँ, आदात, कुछ अच्छी प्रोडक्ट्स, बनी हुई चीज़ें जो हैं दूसरे कल्चर्स को हम जो हैं दे रहे होते हैं। जैसे पाकिस्तान से हमारे डिफरेंट जो हैं क्लॉथ्स और हमारे जो हैं डिफरेंट फूड आइटम्स, हमारे जो हैं डिफरेंट प्रोडक्ट्स, यहाँ के लोगों के हैंडमेड प्रोडक्ट्स, ऐसे आप देखते हैं वेमेन जो हैं घर में बैठे हुए जो हैं डिफरेंट तरह से वो अपनी बनाती हैं, कुछ एरियाज में ऐसा कल्चर है, और वो बनाई हुई उनकी जो हैंडमेड प्रोडक्ट्स हैं वो दूसरी कंट्रीज के लिए एज अ वेरी गुड एग्जाम्पल जो है वो इन्फ्लुएंस करती हैं। तो ये है डाइवर्सिटी हमारे यहाँ की जो दूसरी दुनिया के कोने कोने में भी आपको देखने को मिल जाती है मेड इन पाकिस्तान के टैग के साथ। हमारी यहाँ की जैसे सर्जिकल इंडस्ट्री है या हमारी लेदर इंडस्ट्री है, आप देखते हैं कि किस तरह से डिफरेंट जो है डिजाइन के साथ बनाए हुए क्लॉथ्स और चीजें बाहरी कंट्रीज में, जैकेट, स्पोर्ट्स का सामान, ये सब जो है वहाँ मिलता है। सो दिस इज एन एग्जाम्पल ऑफ कल्चरल एक्सचेंज कि हमारे यहाँ के बैट्स और हमारे यहाँ के बनाए हुए जो चीजें हैं दूसरे कल्चर्स में किस तरह से आपको यूज होते हुए नजर आते हैं। जैसे हमारे यहाँ के फुटबॉल फीफा में यूज होते हैं, एंड वी से कि दिस इज अ गुड एग्जाम्पल। ठीक है, फिर तालीम और साइंस के जरिए से दूसरे कल्चर्स का पाकिस्तानी कल्चर पे या यहाँ के कल्चर का दूसरे कल्चर्स के साथ जो है एक रابطہ होता है और एक पॉजिटिव इसका असर होता है। तालीम इंसानों को बदलती है और साइंस हमारी कंट्री में ऑल्दो कि बहुत ज़्यादा इसमें एडवांसमेंट है लेकिन देर इज़ अ नीड। तो ये हम देख रहे होते हैं कि किस तरह से इन चीज़ों को हम मज़ीद बेहतर बना सकें। तो ये डिफरेंट कल्चर्स में, डिफरेंट कंट्रीज में जैसे आप देखते हैं लोगों को स्कॉलरशिप्स दी जाती हैं,
हर एजुकेशन के लिए रिसर्चर्स को, स्पेशलिस्ट, सब्जेक्ट स्पेशलिस्ट और इस तरह के जो साइंटिस्ट हैं दूसरी कंट्रीज में जाके नॉलेज गेन करते हैं, तो ये दूसरे कल्चर्स का पाकिस्तानी कल्चर पे एक पॉजिटिव इन्फ्लुएंस है कि वो कैसे फिर इसी कंट्री में वापस आके डिफरेंट डिपार्टमेंट्स में सर्व कर रहे होते हैं और यहाँ पे नॉलेज और साइंस के फील्ड में जो है चेंजेस लाने की कोशिश करते हैं, डेवलप करने की कोशिश करते हैं, इन्हांस करने की कोशिश करते हैं इस प्रोसेस को। देन टॉलरेंस एंड डाइवर्सिटी, हमारे पाकिस्तानी कल्चर पे ये भी असर है कि हमें हर तरह के तबका फिकर के लोग, उनका रहन सहन, उनकी आदत, उनके रस्म और रवाज देखने को मिलते हैं। इस सब के बावजूद हम सब में बर्दाश्त का जो है एक एलिमेंट डेवलप होता है। सो दिस इज अ इन्फ्लुएंस ऑफ अदर कल्चर्स ऑन पाकिस्तानी कल्चर कि हमें टॉलरेंस करना, दूसरों के साथ अच्छे इखलाक से पेश आना, दूसरों के मसाइल को हल करने के काबिल बनना, दूसरे कल्चर से ऐसी एग्जाम्पल्स हमारे कल्चर में भी ट्रांसमिट होती रहती हैं। मॉडर्नाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन एंड अदर कॉन्सेप्ट, ठीक है, मॉडर्नाइजेशन हम इस कॉन्सेप्ट को सोशल वर्क में यूँ समझते हैं कि हम अपनी दुनिया में रहते हुए, आज के दौर में रहते हुए, 21st सेंचुरी में रहते हुए किस तरह से खुद को जदीद दुनिया के तकाजों के मुताबिक ढालते चले जाएं, इंफरादी तौर पे भी और इज्तमाई तौर पे भी, क्योंकि दुनिया एक ग्लोबल विलेज है। जैसे हमने डिफाइन किया, हमने बात सेट की कि दुनिया जो है आपस में जुड़ी हुई है और लोगों के आपस में इंटरनेशनल और नेशनल अच्छे कॉन्टेक्ट्स हैं और लोग जो हैं अपनी डिफरेंट पर्पजेज के लिए एक दूसरे के साथ रबते में रहते हैं। तो आज के इस एरा में दूसरे कल्चर्स का पाकिस्तानी कल्चर पे असर है। हम देखते हैं किस तरह से हमारी यहाँ की हर इंडस्ट्री, हर सोसाइटी, हर एरिया के रहने वाले लोग जो हैं इस प्रोसेस को फेस कर रहे होते हैं। ओके, देन कंटिन्यू टू द नेक्स्ट पॉइंट, कैसी हमारी एंटरप्रेन्योरशिप और इनोवेशन। दिस इज द न्यू कॉन्सेप्ट अगेन कि यहाँ पे हमारी जो है इनोवेशंस, नई इजादात, कुछ नया सोचना, कुछ नई चीजें जो है इनको तकलीक करना, इस प्रोसेस को कहते हैं इनोवेट करना, कुछ नया बनाना। और इन एंटरप्रेन्योरशिप जो है ये है कि आप बिजनेस और डिफरेंट जो है आइडियाज, इनके साथ एक बिजनेस माइंडसेट के साथ जो है मार्केट में सर्वाइव करना सीख रहे होते हैं। तो ये अदर कल्चर्स का पाकिस्तानी कल्चर पे इन्फ्लुएंस है कि यहाँ पे जो है बिजनेस इंडस्ट्री या फिर सेल्फ बिजनेस, या समटाइम्स आप कहते हैं कि हम खुद से जो है कोई कारोबार शुरू कर दें। सो दिस इज द कॉन्सेप्ट कि ये चीज़ें पाकिस्तानी कल्चर को इन्फ्लुएंस करती हैं और लोग इस तरफ आते हैं, इन्वेस्टमेंट करते हैं और फॉरेन इन्वेस्टमेंट भी यहाँ पे होती है। ऑल दो कि अब इसकी रेशो कम होती चली जा रही है वक्त के साथ साथ, बहुत कम इसमें भी प्रॉब्लम्स हैं, लेकिन आपने यहाँ पे इस कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग लिखना होता है, जो सोसाइटी में लिटरल कंडीशंस आपकी चल रही हैं उनको एक्सप्लेन करना होता है। डिप्लोमेसी एंड आईआर, इंटरनेशनल रिलेशंस, ये जो आईआर वर्ड मैंने यहाँ पे यूज किया, इट इज द इंटरनेशनल रिलेशंस, डिप्लोमेसी द वे आर गवर्नमेंट एंड आर रिस्पॉन्सिबल अथॉरिटीज आर टेकिंग एडवांटेजेस एंड टेकिंग स्टेप्स टू मेक दिस वर्ल्ड अ बेटर प्लेस। तो ये दूसरे कल्चर्स के इन्फ्लुएंस यहाँ पे हमें इस फील्ड में भी नजर आते हैं। दूसरे ममालिक से ताल्लुकात कायम करना, उनके साथ जो है आपके ऑफिशियल डीलिंग्स, ये सब कुछ इंटरनेशनल रिलेशंस जो हैं, कंट्री वाइज दूसरे कंट्रीज के साथ आपके विद द टाइम बीइंग ये डिफरेंट फेजेस से गुजरते हुए डेवलप होते हैं। सो दिस इज इट कि हमारे कल्चर पे दूसरे कल्चर्स के इन्फ्लुएंसेस हैं, दे हैव देयर ऑफिसेस हियर इन पाकिस्तान। तो इम्प्रूव्ड हेल्थ केयर एंड मेडिसिन, ये भी कॉन्सेप्ट है कि हमारे कल्चर में लोगों की सेहत का जो मयार है पहले से कदरे बेहतर होता जा रहा है, कि इन अ सेंस कि यहाँ पे मुख्तलिफ तरह की अद्वियात, जैसे जैसे मुख्तलिफ तरह की बीमारियां फैल रही हैं सोसाइटी में, उनके हल के लिए मुख्तलिफ अद्वियात और बेहतर हेल्थ की सर्विसेज जो हैं थ्रू प्राइवेट और पब्लिक सपोर्ट यहाँ पे अवेलेबल होती हैं। नेक्स्ट वी सी ग्रोथ ऑफ मीडिया एंड इंटरटेनमेंट इंडस्ट्री,
किस तरह से हमारा मीडिया जो है और एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री की रैपिड ग्रोथ हुई है और इट इज स्टिल ग्रोइंग। आप देखते हैं कि कैसे आपकी सोसाइटी में आपका मीडिया, आपकी फिल्म इंडस्ट्री, आपकी ड्रामा इंडस्ट्री, आपके डिफरेंट ऐसे फेस्टिवल्स और ये कल्चरल रिप्रेजेंटेशन डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स पे आपको नज़र आ रही है कि ये बढ़ रही है। जैसे इंडियन कल्चर, टर्किश कल्चर, इंग्लिश कल्चर और कोरियंस, इवन कोरियन ड्रामाज और इस तरह का सारा जो कल्चर है, ये आपको यहाँ पे इसकी ग्रोथ होती हुई नज़र आ रही है। सोशियो कल्चरल अवेयरनेस लोगों की बहुत ज़्यादा है कि लोग अपने कल्चर को किस तरह से समझ रहे हैं। सोशलाइज करने के साथ साथ लोग जो हैं अपने कल्चर में ये जानते हैं, रहते हुए पाकिस्तान में रहते हुए जानते हैं कि अमेरिका में जो है इस टाइम कौन सा ट्रेंड फॉलो हो रहा है, कौन सी जो है वहाँ पे जो है इस टाइम फिल्म्स जो हैं फिल्म इंडस्ट्री में बन रही हैं, या वहाँ की सेलिब्रिटीज़ कौन सी हैं, या डिफरेंट कंट्रीज़ में आप जो जिन लोगों को आप फेवरेट समझते हैं या आइडियलाइज करते हैं, आप उनको देख रहे होते हैं, द वे दे लिव, द वे दे रिप्रेजेंट देमसेल्व्स, ये सब कुछ हमारे यहाँ सोशल और कल्चरल अवेयरनेस के बढ़ जाने से आता जाता है। देन स्पोर्ट्स एंड एथलेटिक्स नेक्स्ट पॉइंट जो है कि हमारे यहाँ पे हमारी अपनी इंडिजिनस स्पोर्ट्स थी, हॉकी या इस तरह के जो खेल थे उनकी जगह जो है क्रिकेट और इस तरह के जो फॉरेन जो हैं गेम्स स्पोर्ट्स इन्होंने ले ली है। जैसे आप देखते हैं कि ऑनलाइन गेमिंग बहुत कॉमन है मोस्टली इन द किड्स, तो ये चीज़ जो है हमारे यहाँ पे एथलेटिक्स और ये सारे डिफरेंट कल्चर से ये आने वाले एलिमेंट्स हैं जो हमारे कल्चर पाकिस्तान के कल्चर में ऐड होते चले जा रहे हैं। देन इम्पैक्ट ऑन लिटरेचर एंड राइटिंग, हमारे जो लोकल लिटरेचर पंजाबी राइटिंग हो गई या पंजाबी शोभा में जो काम किया गया, उसके अलावा आप देखते हैं कि मुख्तलिफ शोभों से यहाँ पे जो है इंग्लिश लिटरेचर, जैसे आप देखते हैं बहुत इसकी रिच हिस्ट्री है किस तरह से उसने इसको असरअंदाज किया है। देन द स्पिरिचुअल डाइवर्सिटी और रिलीजियस डाइवर्सिटी आपको नजर आती है, मुख्तलिफ जो है मकतबा फिक्र से ताल्लुक रखने वाले मजहबी लोग, मुख्तलिफ आपको यहाँ पे फिक्र नजर आते हैं, मुख्तलिफ यहाँ पे आपको जो है रूहानी निज़ाम और सिलसिले के इनके तहत लोग जो है अपनी जिंदगी में मुख्तलिफ जो है फिक्र उनको फॉलो करते हुए लाइफ गुजार रहे हैं। न्यू फैशन एंड ब्यूटी ट्रेंड्स ये भी मुख्तलिफ कल्चर से पाकिस्तान में आए हैं, इस पे हम बात ऑलरेडी कर चुके हैं, आई होप सो इट्स क्लियर। सो नेक्स्ट इज आर सोशल एंड इन्वायरमेंटल अवेयरनेस, माशरे में हमें अपने माहौल के बारे में काफ़ी ज़्यादा अवेयरनेस जो है माहौलियाती तब्दीलियों के बारे में, ग्लोबल वार्मिंग के बारे में, ये हमारे अपनी जो है सोसाइटी में जैसे शजरकारी होनी चाहिए, इस तरह की मुख्तलिफ मुहिम और इस तरह की मुख्तलिफ अवेयरनेस कहाँ से आ रही है कि हम देखते हैं इंटरनेशनली जो है ग्लोबल वार्मिंग से अगर डेवलप कंट्रीज मुतासर हो रही हैं, तो फिर डेवलपिंग कंट्रीज हम जैसे कंट्रीज जो कि कार्बन इमिशन इतनी ज़्यादा नहीं करते, फिर भी हमें इस तरह के प्रॉब्लम्स फेस करने पड़ते हैं, तो ये अवेयरनेस भी हमें बढ़ रही है। ये डिफरेंट कल्चर्स के असरात हैं यहाँ पे। ग्लोबल आर्टिस्टिक कोलैबोरेशंस ये भी पॉजिटिव इन्फ्लुएंस है कि हमें अवेयरनेस के साथ साथ हम अपनी देखते हैं कि किस तरह से दुनिया में जो है इंटरनेशनली डिफरेंट जो ममालिक हैं आपस में किस तरह से कोलैबोरेट करते हैं और ऐसे प्लेटफॉर्म्स प्रोवाइड करते हैं लोगों को कि वो अपने कल्चर को आके पेश करें। जैसे टर्की में आप देखते हैं कि इस तरह के इवेंट्स जो हैं ऑर्गेनाइज किए जाते हैं जहाँ पे पाकिस्तान की रिप्रेजेंटेशन भी होती है, इसी तरह से हम ये एक पॉजिटिव इन्फ्लुएंस देखते हैं कि आलमी दुनिया में भी पाकिस्तान का एक अच्छा जो है इमेज, सॉफ्ट इमेज जो है वो डेवलप हो रहा होता है। इंक्रीजिंग ह्यूमैनिटेरियन एफर्ट्स यानी यहाँ पे ह्यूमैनिटेरियन एफर्ट्स जो हैं इसका मतलब है कि जरूरतमंद इंसानों की भलाई के लिए मिलके काम करना। तो हम देखते हैं कि किस तरह से मुख्तलिफ पब्लिक यानी गवर्नमेंट के इदारे और मुख्तलिफ जो हैं प्राइवेट एनजीओ सेक्टर खसूसन किस तरह से वो इंसानों की ज़रूरतमंद लोगों की ज़िंदगी को बेहतर बनाने के लिए अपना किरदार अदा कर रहे होते हैं डिफरेंट कंट्रीज़
जो है किस तरह से यहाँ पे आके एनजीओज के थ्रू लोगों के लिए तालीम के शोबे में, सेहत के शोबे में, सैलाब ज़दगान की मदद के सिलसिले में और मुख्तलिफ कामों के लिए अपनी एनजीओज, अपने इदारे, ऑर्गेनाइजेशंस जो है उनको यहाँ पे आने का चांस देते हैं या मौका देते हैं कि लोगों के लिए काम करें। तो ये दूसरे कल्चर्स का पाकिस्तानी कल्चर पे बड़ा मुस्बत किस्म का जो है असर है। आज तक के लिए इतना ही। आई होप सो कि आपके लिए ये लेक्चर जो है यूजफुल था। लेट मी नो इफ यू हैव एनी क्वेश्चंस। ओके, एनी क्वेश्चंस? पेपर्स आपके हो जाएंगे जल्दी ही, विद इन अ फ्यू मंथ्स। जीशान, यस, वेरी गुड एग्जाम्पल। यस, मिस्टिक ट्रेडिशंस, मैंने आपसे बात की थी, ये सूफियाना जो हमारा निज़ाम है, मिस्टिसिज्म। तो जैसे हमारा यहाँ पे आप देखते हैं कि मुख्तलिफ मज़ार बने होते हैं लोगों के, और वहाँ पे लोगों का रश, लाहौर में आप देख सकते हैं इसकी बड़ी अच्छी एग्जांपल जो है हज़रत अली हजवेरी का मज़ार, या इस तरह से। ये मैंने आपसे कहा था कि ये ट्रेडिशंस हमारे कल्चर का हिस्सा वैसे नहीं थी, लेकिन जैसे लोग मुख्तलिफ कंट्रीज से यहाँ पे मूव करते रहे, समरकंद, बुखारा और इस तरह के इलाकों से, ये वहाँ की ट्रेडिशन, रूमी का कल्चर और इस तरह की चीज़ें यहाँ पे ये आती गई। जी जीशान, नोट्स आपको मिलेंगे जब आप लोग इस क्लास में इनरोल्ड होंगे, तो इस सब पे नोट्स मैंने बनाए हैं। ये तो मैं आपको की पॉइंट्स दे रही हूँ और इसके एक्सप्लेनेशन साथ साथ हम करेंगे और नोट्स आपको मिल जाएंगे, देन आपके लिए रीडिंग करना ईजी होगा। इसलिए मैं आप सबसे कहती हूँ कि मेन पॉइंट्स को जस्ट लिखते जाएं, और ताकि ये जो हम इतनी सारी एग्जांपल्स डिस्कस करते हैं ये आपके पास रिटन फॉर्म में मौजूद हो। इस पे मैंने एक कंप्लीट डिस्कशन की है आपके साथ, हाउ कल्चर मेक्स अ सोसाइटी रिजिलियंट। हाउ कल्चर मेक्स अस सोसाइटी रिजिलियंट, इस पे एक्चुअली लॉन्ग क्वेश्चन अभी तक तो एग्जामिनर ने नहीं पूछा, लेकिन देखें ये कल्चर ही है आपका, ये कल्चर प्रैक्टिसेस ही हैं आपकी जो आपकी सोसाइटी को इंटैक्ट रखती हैं, जुड़े रखती है सोसाइटी। आप रिजिलियंस को अगर उस सेंस में ले रहे हैं देन इट इज़ अ गुड क्वेश्चन। अदरवाइज कंसेप्चुअल क्लैरिटी के लिए अगर बात कर रहे हैं तो एज आई जस्ट सेड कि इस पे कभी क्वेश्चन नहीं आया। एनी अदर क्वेश्चन? सिक्स सीट्स आर इनफ, 6 to 7, 6, 5 to 6 सीट्स फॉर एवरी जेंट, 6 एज मैक्सिमम, क्योंकि आपने टाइम भी मैनेज करना होता है। ये आप शिराज, इनसे कांटेक्ट करें, ये जो यहाँ पे कोऑर्डिनेटर हैं। जी, कोटेशंस आप इसमें ऐड कर सकते हैं, जैसे जस्ट मैंने एज एन एग्जांपल अभी शुरू में कोटेशन ऐड की, कुछ डेफिनेशंस ऐड की। हसन, ये फॉर 1 मंथ है और इसमें हम 2 सब्जेक्ट्स इन सोशल वर्क के 1 एंड 2 बुक्स जो है इनको क्लियर करेंगे, समझेंगे, इनकी कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग लेंगे और इनके मॉक टेस्ट होंगे आपके बाय द एंड ऑफ एवरी बुक। आई होप सो इट वॉज अ यूजफुल सेशन फॉर यू गाइज। थैंक यू सो मच, दैट्स इनफ फ्रॉम माई साइड।